आजकल देखिए जो आपदा एक पैंडेमिक आया हुआ है उसमें धर्म ही सबको बचाता है। किसी ने ऐसे ही कहानी आई कि किसी ने कहा कि भगवान अब तो आपके मंदिर भी बंद हो गए, धर्म क्या करेंगे? तो भगवान ने कहा कि अब तो घर घर में मेरे मंदिर बन गए हैं। और इसमें एक छोटी सी कहानी हम जोड़ते हैं, महाभारत के युद्ध में जब शुरू होने वाला था तो बहुत सी बातें सामने आई, बहुत सी समस्याएं भी आई, बहुत सी बातें भी आई। तो उसमें भगवान कृष्ण के सामने युद्ध भूमि पे एक छोटी सी चिड़िया सामने आई। उसने ये कहा कि ये धर्म युद्ध जो कर रहे हैं, यहाँ भूमि पर मेरे चार पांच छोटे छोटे बच्चे हैं, और अगर युद्ध शुरू होगा तो आपका तो धर्म युद्ध हो रहा है, धर्म पर सब कुछ आधारित है आपका, लेकिन ये एक अधर्म हो जाएगा अगर मेरे बच्चे मर जाते हैं। तो इसमें बताइए आप क्या कर सकते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा कि इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो एक धर्म युद्ध है और धर्म पर आधारित है। और परंतु उन्होंने ये किया कि उन्होंने अर्जुन से उसका गांडीव तीर कमान लिया और एक हाथी था, हाथी के गले पर तीर का निशाना लगाया। और हाथी के गले पर जब तीर लगा तो उसके गले के अंदर नहीं गया बल्कि उसके गले में जो घंटी बंधा था वो घंटी जमीन पे गिरा। तो अर्जुन ने देख करके हंसते हुए कहा कि हे पार्थ, आपने हमसे क्यों नहीं कहा? हम तो एक बार में निशाना लगा देते, आप निशाना नहीं लगा पाए, हाथी को नहीं मार पाए। तो भगवान कृष्ण हंस करके उस बात को टाल दिए। उन्होंने कहा कि चलो अपना युद्ध करो। और उसके बाद जब युद्ध समाप्त हुआ तो उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये देखो वहां घंटी जो हमने गले में तीर मार करके, हाथी के गले में तीर मार करके गिराई थी, उसको उठाओ। तो जब घंटी उठाया तो उसके अंदर से चिड़िया और उसके बच्चे निकल के उड़ गए। तो उन्होंने धर्म की रक्षा भी की और एक जीव 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 को बचाया भी और उसको जीवन दान भी दिया। तो धर्म जो होता है वो जीवन दान के लिए होता है, और धर्म कभी भी इस बात की प्रेरणा या इस बात की इजाजत नहीं देता है कि हम किसी गलत काम को परिश्रय दें या हम किसी गलत पथ को परिश्रय दें। क्योंकि ठाकुर जी ने भी कहा है कि अगर विपाक पथ पे चला जाता है कोई हमारा शिष्य तो हाथ पकड़ के हम उसको पथ पर लाते हैं, और वही गुरु है, वही सदगुरु है, और उसी को सदगुरु समझिए और वही हमको रास्ता दिखाने वाला है। जय गुरु।